उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपने कार्य का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई। वहीं उधर मऊ जनपद की आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियों ने कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी संघ का कहना था कि प्रदेश की भाजपा सरकार चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार में आने के बाद भाजपा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उनका सम्मानजनक हक दिया जाएगा, लेकिन सरकार बनने के बाद भाजपा अपने वादे से पलट गई। हमने सरकार को उसका वादा दिलाने के लिए पिछले महीने 17 अगस्त को वादा याद दिलाओ रैली लखनऊ में आयोजित की गई थी, लेकिन सरकार ने फिर भी हमारी आवाज को अनसुना कर दिया। सरकार को चेतावनी देते हुए आज से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं और जब तक हमारी मांगे को पूरा नहीं किया जाता हम धरने से उठने वाले नहीं है। हर हाल में सरकार को आंगनबाड़ी को 18,000 और सहायिकाओं को 9,000 रुपए वेतन देना ही होगा, तभी हम धरना समाप्त करेंगे। तो सरकार बनने के बाद 120 दिन का हम लोगों ने जो वादा किया था सरकार ने, 120 दिन का हम लोगों ने इंतजार किया। 120 दिन के बाद सरकार जब हम लोगों के लिए कोई सरकार के तरफ सरकार से कोई हम लोगों का वो मतलब उचित हम लोगों का उचित जो हुआ उचित हम लोगों को नहीं मिला कि सरकार हम लोगों के बारे में कोई सरकार का ध्यान नहीं है, तो हम लोगों ने 17 जुलाई को वहाँ पे फिर हम लोग लखनऊ गए 17 अगस्त को वादा याद दिलाओ रैली हम लोग निकाले थे कि सरकार चल रहा है कार्य कुछ क्या जो है इनका कलेक्ट्रेट परिषद में जो है धरना प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। इससे पहले भी इन्होंने किया था, अभी पिछले महीने भी किया था धरना प्रदर्शन। तो इनकी कई मांगे हैं जो शासन स्तर से रिलेट करती हैं जी। और अब ये मानदेय अपना बढ़ाने के लिए कि आंगनबाड़ी को 18,000 मानदेय किया जाए, सहायिकाओं को 9,000 मानदेय किया जाए, अन्य कार्य मुझसे न लिए जाएं, ये कई इनकी मांगे हैं जो उसी क्रम में इनके द्वारा धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया।